ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती के संदेह वेद पंडित। आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हम हर रोज़ अपने चैनल पर आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गंगा जल से कुछ ऐसे उपाय जो यदि आपको सावन में आपने कर लिए तो विश्वास मानिए कि आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। सनातन धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र और शुद्ध माना गया है। गंगा जल को यदि घर में छिड़क दिया जाए तो सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सब कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी से भर जाता है। यही उपाय आज हम आपके पास लेके आए हैं और आपको ये सावन में ही करना है। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करें जिससे कि सभी लोग इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। माना जाता है कि सावन के मास में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप भी गंगा जल के कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं। इस सावन भगवान शिव को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय यानी सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए सावन में हर दिन खास तौर पर सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। वहीं जिस घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। इससे घर में सकारात्मकता आती है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सावन मास में व्यक्ति को एक पात्र में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल डाल लेना चाहिए और पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। पीपल का ये उपाय करने से आपके शनि मजबूत होंगे और यदि कर्ज से परेशान है तो ये उपाय करें। गुरुवार के दिन पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर उसे एक साफ लाल कपड़े से ढक दें और उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और यदि विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो भी गंगा जल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यदि आप अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आप ये काम करें, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। नियमित रूप से गंगा जल से नहाने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और साथ में उस पानी में गंगा जल मिले पानी में दो चुटकी यानी कि थोड़ी सी हल्दी भी मिला दें। लेकिन ये काम आपको लगातार 21 दिन तक करना होगा। इससे आपकी शादी विवाह में आ रही अड़चने खत्म होंगी और आपकी एक अच्छी शादी होगी होगी। ये उपाय बहुत कारगर है, करके देखें लेकिन लगातार 21 दिन करें। तो दोस्तों ऐसे कि आपने देखा गंगा जल ना सिर्फ भगवान माता रानी को बहुत प्रिय है और बहुत पवित्र है। शुद्ध कहते हैं गंगा मैया में यदि गंगा जल में स्नान कर लें तो इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल आपके जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को भी समाप्त कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसका कैसे उपयोग करना है। जैसे हमने आपको इसमें अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर बताया है गंगा जल से। तो दोस्तों आप अपने परेशानी अनुसार समस्या अनुसार गंगा जल से उपाय कर सकते हैं। पूरे भरोसे के साथ करें, भोलेनाथ का नाम लेके आपको आपके हर काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।